हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 179 ऑफ 365 डे फिटनेस चैलेंज। आज हम करने वाले हैं प्लैंक एब्स वर्कआउट चैलेंज। तो पहला वर्कआउट जो मैं करने वाला हूं दैट इज़ कॉल्ड प्लैंक होल्ड। यहां पे मैं प्लैंक पोजीशन में आता हूं, लेकिन यहां मैं छोटा सा वेरिएशन कर रहा हूं। मैं अपने हिप को थोड़ा सा रेज करके रखता हूं और अपने पैरों को स्ट्रेट रखता हूं। इसके वजह से लोअर एब्स में और कोर में आपको बहुत अच्छा टेंशन महसूस होगा एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर डेवलपमेंट ऑफ लोअर एब्स। आप इसको 20 सेकंड्स तक होल्ड करके रख सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्कआउट, यहाँ पर मैं एक छोटा सा वेरिएशन कर रहा हूँ दैट आई रेज माय लोअर हिप्स एंड मैं अपने टोज पे आता हूँ। व्हाइल आई एम गोइंग अप मैं ब्रीद आउट करता हूँ एंड व्हाइल आई एम गोइंग डाउन आई एम ब्रीदिंग इन। यहाँ पर ब्रीथ को होल्ड करने की कोशिश मत करिए बिकॉज आपको सही रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। सो व्हाइल यू आर ब्रीदिंग आउट एंड गोइंग अप आपको एक बहुत अच्छा स्क्वीज महसूस होगा अपने लोअर एब्स में और अपर एब्डोमेन में भी। सो इट इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज टू बिल्ड योर कोर। इसके भी आप 10 टू 15 रेप्स कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन बिगिनर टू एडवांस्ड। मूविंग टू द नेक्स्ट वर्कआउट, हम करने वाले हैं माउंटेन क्लाइंबर्स। यहाँ पर मैं प्लैंक पुशअप पोजीशन में आता हूँ, अपना बैक टोटली स्ट्रेट रखता हूँ और मैं 50 माउंटेन क्लाइंबर्स करता हूँ। राइट, इसमें आप एक रिदम मेंटेन कर सकते हो। यू कैन इंक्रीज द स्पीड और डिक्रीज द स्पीड डिपेंडिंग अपॉन योर स्टैमिना। नेक्स्ट वर्कआउट है दोस्तों प्लैंक एल्बो रेजेस। यहाँ पर मैं प्लैंक पोजिशन में आता हूँ और अपने दूसरे हाथ को सिर के पीछे रखता हूँ। आई ट्राई टू कीप द बॉडी बैलेंस्ड, अपने बॉडी को स्ट्रेट रखिए एंड एल्बो को जिस तरीके से मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ ऊपर और नीचे की तरफ आप लेके जा सकते हो। तो यू कैन डू 10 रेपिटेशंस ऑन ईच साइड। दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज टू फॉर स्ट्रेंथ बैलेंस एज वेल एज स्टैमिना और ये आपके साइड बर्न्स को, साइड बेली फैट को बर्न करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। लव हैंडल्स को शेप में लाने के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है। नेक्स्ट वर्कआउट है दोस्तों साइड हॉप नी किक्स। यहाँ पर फिर से मैं प्लैंक पुशअप पोजीशन में आता हूँ, मैं साइड किक करता हूँ, उसके बाद मैं सामने की तरफ दो नी किक्स करता हूँ, साइड हॉप एंड नी किक्स। ये भी बहुत अच्छा कार्डियो और स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन है। राइट, यहाँ पर ना केवल आप कार्डियो करते हैं, इसके अलावा आप यू नो लोअर एब्स को बिल्ड करने में भी इसमें आपको मदद मिलती है। तो यू कैन डू 10 to 15 रेपिटेशंस ऑफ दिस वर्कआउट। राइट, तो इन पूरे वर्कआउट्स के आप 3 सेट्स कर सकते हैं दोस्तों। ये वर्कआउट आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।